और बच्चों को तो पूरा घायल कर दिया है, पैर की हड्डी निकाल के फेंक दी, चमड़ी रेंद दी है बस, एक आँख फोड़ दी पूरी और चेहरे पे पत्थर मारे हैं और बहुत चेहरे पे चोटे हैं, पेट पूरा फाड़ दिया यहाँ से वहाँ तक, ये पूरे पैरों में टाँके लगे हुए हैं। और वो पुलिस की हिरासत में ही था, लेकिन 8 दिन तक पुलिस ने भी मेरा हमारे साथ चीटिंग करी, पुलिस प्रशासन ने भी 8 दिन तक हमको बताया नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ है। हमने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद भी नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा यहाँ है क्यों आए। ये वो शख्स है जिसने खरगोन में हुए दंगों में अपना भाई खो दिया। जी हाँ, खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में पहले मौत की खबर सामने आई है। मृतक का नाम इब्रेस खान उर्फ सद्दाम है। इंदौर में MY हॉस्पिटल में उसका शव मिला है। खरगोन में जिस दिन हिंसा हुई उसके बाद से ही वो लापता था। सद्दाम की उम्र 28 साल बताई जा रही है। तो वहीं सद्दाम की मौत के बाद उसके भाई इकबाल ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि सद्दाम कहाँ है। दरअसल सद्दाम अपने घर से आनंद नगर मस्जिद में नमाज और रोजेदारों के लिए इफ्तार देने निकला था, जो वापस घर नहीं लौटा। परिवार वाले 4 दिन तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। परिवार वालों ने फिर 14 तारीख को थाने में लापता की रिपोर्ट दर्ज कराई। सद्दाम के परिवार वाले लगातार उसे थाने और जेल में तलाशते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वाले इतने हताश हो गए कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी और सीधा खरगोन पोस्टमार्टम रूम में जाकर पूछताछ कर उसे ढूंढने लगे, लेकिन यहाँ भी सद्दाम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मेरा भाई 10 तारीख को 7:30 बजे आनंद नगर मोहल्ले में रोजदारों को हथियारी देने गया था। वहाँ पर पत्थर चोट हुई, उसके साथ उसको औजारों से मारा गया। वहाँ के लोगों ने उसका सिर भी कुचल दिया पत्थरों से, और घायल कंडीशन में उसको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। 12 तारीख को थाने पे भी 2-4 लोगों को दिखाई दिया, लेकिन वो गवाही देने को तैयार नहीं है। 2-4 लोगों को 12 तारीख को दिखाई दिया, उसके बाद से अंडरग्राउंड कई जगह छुपा के रखा था। कल मेरे पास रात को 9:30-10 बजे एक जवान आया, उसने मेरे से पूछा कि आपके भाई की जानकारी चाहिए मेरे को। तो मैंने उसको जब मीडिया की धमकी दी जवान को कि कल मैं मीडिया को सुबह बुलाऊंगा, तो उसने 5 मिनट में कह दिया कि इंदौर MY में तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी है, लेने चले जाओ, हमारे साथ आ जाओ यहाँ थाने पे। यहाँ TI साहब ने खड़े, फिर वहाँ थाने पे गए उस बच्चे की डेड बॉडी लेके। जबकि परसों हम खुद पूरा MY हॉस्पिटल चेक करके थे, 12-15 लोग जाके, मेरे बच्चे की डेड बॉडी नहीं थी वहाँ पे, नहीं मिली। लेकिन कल 5 मिनट के अंदर मीडिया की धमकी दी, तो केवल 5 मिनट में उन्होंने हमको फ़ोन लगा दिया और बोले जल्दी आ जाओ ना, तो हम तुमको घर लेने आ जाएंगे। तो वहीं इस मामले को लेकर खरगोन के प्रभारी SP रोहित काशवानी का क्या कहना है, सुनिए। 10 तारीख को रात को हमें एक जानकारी मिली थी कि एक जगह एक व्यक्ति पड़ा है घायल अवस्था में। तत्काल हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वह मृत घोषित हुआ। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, उसके पश्चात हमने PM कराया, तो उसके बाद भी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। तो शव चौकी यहाँ पर सुविधा नहीं थी रखने की, तो हमने उसे इंदौर भिजवाया। उसके पश्चात हमने CCTV वगैरह देखे, बहुत कोशिश की। फिर 14 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट आई थी, वो हमने पंजीबद्ध की और हमने सब दिखवाए। और उसके पश्चात जब हमें पता चला कल कि कुछ जो हमें पता कि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो हमने फिर आइडेंटिफिकेशन कराया कल एक बॉडी का, तो इंदौर में। और वहाँ से पता चला कि ये एवरेज इस्लामपुरा के हैं, इनकी बॉडी, तो हमने फिर इनकी फैमिली को बुला के अंतिम। बता दें कि अब तक खरगोन मामले में 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनसे इस मामले में पुलिस प्रशासन ने भी झूठ बोला है। तो वही पुलिस का कहना है कि खरगोन का फ्रीजर की व्यवस्था न होने के चलते उसे इंदौर में रखा गया था। पंजाब केसरी TV के लिए इंदौर से सचिन बहरानी और खरगोन से ओम रामनेकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।